वेल गाइस, आज का जो इंट्रो है वो काफ़ी यूनिक होने वाला है और आपने कभी देखा भी नहीं होगा ऐसे इंट्रो। तो ये इंट्रो बनाने के लिए हम काइनोमास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको अपने प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिना वाटरमार्क वाला काइनोमास्टर का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो विदाउट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में काइनोमास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा, तो यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है। एक्सपेक्ट रेशियो को 16:9 सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप अपने डिवाइस की गैलरी में चले जाएंगे और आपका जो काइनोमास्टर है वो लैंडस्केप मोड में ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, यहाँ आपको इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ से ब्लैक इमेज को क्लिक कर देना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके उसकी लेंथ को यहाँ एंड तक कर देना है 15 सेकंड तक कुछ इस तरीके से। फिर ब्लेड को स्टार्टिंग में लाना है और यहाँ से बैक हो लेना है। फिर हमें क्या करना है, फिर से यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ अब हम अपने चैनल का लोगो ऐड करेंगे। तो लोगो कैसे बनाते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक डाल दिया है। तो लोगो ऐड हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, लोगो को लेंथ को भी यहाँ एंड तक कर लेना है कुछ इस तरीके से, इतना बड़ा कि हमारा ब्लैक इमेज है वहाँ तक। और फिर हमें ब्लेड को स्टार्टिंग में लाना है और यहाँ बैक हो लाना है। तो फिर से आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, देन यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। अब हमें एक इंट्रो टेम्पलेट ऐड करना है, जो मैं टेम्पलेट यूज़ करता हूँ उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से टैबलेट ऐड हो जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और यहाँ आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक कर देना है और यहाँ उसको फुल स्क्रीन में सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ बैक हो लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको प्लेट को यहाँ आगे की ओर लाना है। तो गाइस, आप देख सकते कि हमारा जो टैबलेट है उसमें ग्रीन कलर आ रहा है, तो उसे हमें रिमूव करना है। तो यहाँ आपको नीचे आ जाना है और यहाँ आपको क्रोमा का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है, देन यहाँ इसे इनेबल कर देना है। तो अब जैसे उसको इनेबल करेंगे बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेम्पलेट में ब्लू कलर है वो रिमूव हो जाएगा, बट हमें क्या करना है, यहाँ ग्रीन कलर को रिमूव करना है। तो आपको यहाँ की कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ राइट पर क्लिक कर देना है। तो गाइज, आप देख सकते कि हमारा जो लोगो है वो टेम्पलेट से छोटा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ लोगो को सिलेक्ट करना है प्लेड में, तो उसे एक्सटेंड करके यहाँ कुछ इस तरीके से बड़ा कर देना है और यहाँ सर्कल के बीचों बीच प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर हमें क्या करना है, यहाँ कुछ पैरामीटर सेट करना है। तो फिर से आपको टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ फिर से आपको क्रोमा की का ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ आपको कुछ पैरामीटर सेट करना होगा। तो आपको यहाँ 28 दिख रहा होगा, तो उसे आपको यहाँ एक्सटेंड करके 37 तक कर लेना है और फिर यहाँ बैक हो लेना है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ टेम्पलेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो हमें उसको यहाँ देख करके कुछ इस पॉइंट तक ले आना है और यहाँ बाकी बचा हुआ जो हमारा जो एलिमेंट्स है उसको भी यहाँ कर लेंगे। तो आपको परफेक्ट सेट करने के लिए आपको यहाँ ट्रिम और स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ ट्रिम राइट पे क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से जो लोगो है वो हमारा जो टेम्पलेट के बराबर हो जाएगा। तो आपको ब्लैक इमेज को भी सिलेक्ट करना है, सेम प्रोसेस ट्रिम स्प्लिट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ट्रिम राइट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से बैक हो लेना है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा चैनल का नेम ऐड करना है। तो कुछ इस पॉइंट तक प्लेट को लाने के बाद यहाँ आपको पहले बैक हो लेना है और अब हमें क्या करना है, यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ चैनल का नेम ऐड करना है। तो नेम ऐड हो जाने के बाद नेम को यहाँ देख करके नीचे लाना है, जस्ट लोगों को नीचे प्लेस कर देना है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से और यहाँ लोगों को नीचे प्लेस करके यहाँ बीचों बीच प्लेस कर देना है। फिर हमें क्या करना है, उसका फॉन्ट चेंज करना है। तो आपको यहाँ डबल ए का आइकन दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करना है
और यहाँ डिस्प्ले को सेलेक्ट करना है और यहाँ मोनोटोन रेगुलर करके फ़ोन मिल जाएगा, उसे सेलेक्ट करना है। यह फोन आप या कान मास्टर में नहीं है तो यहाँ आपको कान मास्टर का टोर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ राइट पे क्लिक करना है और अब हमें क्या करना है, उसमें कलर चेंज करना है उसका। तो आपको यहाँ कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ ब्लू कलर को सिलेक्ट करना है। ब्लू कलर इसलिए सिलेक्ट किया है कि पीछे आप जो बादल देख रहे हैं उसका भी कलर कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो उसमें आपस में कॉम्बिनेशन मैचिंग हो जाएगा और काफ़ी अट्रैक्टिव भी दिखेगा। तो फिर हमें क्या करना है, हमारे जो चैनल का नेम है उसमें एनिमेशन डालना है। तो आपको यहाँ राइट साइड में इन एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके। यहाँ आपको वाइप राइट करके एनिमेशन मिल जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना है और उसकी टाइमिंग को यहाँ 1.5 सेकंड तक कर लेना है। फिर यहाँ बैक हो लेना है और यहाँ अब हमें क्या करना है, उसको भी ट्रिम कर लेना है। तो यहाँ से पहले आपको बैक हो लेना है और नेम को सिलेक्ट करना है प्लेयर में और उसके कुछ इस तरीके से ब्रेक करके यहाँ एंड तक कर लेना है। फिर प्लेयर को कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में लाना है। तो अब हमारा जो एंड पार्ट काम है वो ख़त्म हो चुका है और हमें अभी एक सेटिंग करना है। तो आपको लेफ्ट साइड में सेटिंग का आइकन दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और वीडियो को सिलेक्ट करना है, वीडियो फेड आउट को इनेबल कर देना है और उसकी टाइमिंग को यहाँ 1 सेकंड तक कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ आपको क्रॉस पे क्लिक कर देना है। तो गाइस वॉल्यूमस्ट हमारा जो इंट्रो है वो बन चुका है, तो उसे मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि गाइस आपने देखा कि हमारा इंट्रो जो काफी यूनिक लग रहा है, तो इंट्रो बन जाने के बाद आपको इंट्रो को सेव करने के लिए आपको यहाँ राइट साइड में एरो का आइकन दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करना है और यहाँ आप जो चाहो रेजोल्यूशन में सेव कर सकते हैं। आपको 4K तक का ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि हमारा जो कैमरा है वो प्रो वर्जन का है, लेटेस्ट वर्जन का है, तो आपको यहाँ 4K तक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, अब 1080p को सिलेक्ट करना है, यहाँ वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है और यहाँ बिट रेट को हाई रखना है और यहाँ सेव वीडियो पर क्लिक कर देना है। तो आई होप कि गाइस हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग इंट्रो वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।